वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद तनाजे का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। उधर संजौली तनाजे में AIMIM की एंट्री हो गई है। AIMIM लीडर शुएब जमाई ने संजौली में मस्जिद जाकर वीडियो जारी किया। शुएब जमाई ने कहा है कि वो इस मामले में हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे। वहीं AIMIM नेता के मस्जिद जाकर वीडियो बनाने पर रियासत की सियासत गर्मा गई है। तो किस तरीके से ये वीडियो बनाया गया ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और इस वीडियो को बनाने के बाद हिमाचल में हम देख रहे हैं रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। विक्रमादित्य ने कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जी हाइट पे एक भी मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, उसी मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जो हमने फैसला लिया है वो किसी के दबाव में नहीं लिया, हमने मोहब्बत के लिए लिया, प्यार मोहब्बत के लिए। जब सनातनी भाइयों से भी हमारी बातें हो रही हैं आपस में कि हम ये एक मंच पर बैठकर इसको यानी कि सॉल्व करें इस मसले को। तो संजौली मस्जिद मामले को लेकर AIMIM लीडर की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उस पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। शिमला में संजौली मस्जिद तनाजे पर हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी हो रही है। इस पर AIMIM पहले भी बयान दे चुकी है और अब एक बार फिर AIMIM के नेता ने मस्जिद में जाकर एक वीडियो बनाया, जिसके बाद अब खुद जो मस्जिद के लोग हैं उनका कहना है कि जो हमने फैसला लिया है वो हमारा फैसला कायम रहेगा। हम भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे, माहौल पुरम बना रहे, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण राज्य है और ऐसे में किसी भी तरह से हंगामा हमें नहीं चाहिए और जो माहौल है वो पुरअमन तरीके से ही बना रहना चाहिए। तो संजौली मस्जिद तनाजे को लेकर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विक्रमादित्य ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और हम अपने राज्य में शांति को बरकरार रखेंगे।